गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा देखिए, ये जो बुक है आपकी कन्वर्सेशन की बुक, कन्वर्सेशन मीन्स बातचीत। बुक का नेम देख लीजिए, स्पीक वेल कन्वर्सेशन, अच्छी तरह से बातचीत करना। ठीक है, कन्वर्सेशन करिए, बोलिए, बातचीत करिए, ये इसका मतलब है। और इस बुक में आपको सिखाया गया है कैसे आप बोलेंगे। ठीक है, हिंदी में तो आप बहुत सी बातें करते हैं, थोड़ा इंग्लिश में भी सीखिए। कोई आपसे क्या पूछेगा तो आप क्या रिप्लाई करेंगे, क्या जवाब देंगे आप कैसे उसकी बातों को समझेंगे। तो हम लोग कुछ चीजें आप लोगों को बताएंगे, बुक में सब है, बुक की स्टडी आपको कराएंगे और आपको इसे तैयार करना है। देखिए, जब आप बुक ओपन करेंगे बेटा, और ओपन करिए, तो ये वाला पेज है चैप्टर वन। ठीक है, अबाउट योर सेल्फ, यानी आपके बारे में, आपका नाम क्या है, आप कहाँ रहते हो, आपके फादर का नाम क्या है, मदर का नाम क्या है, ये सारी चीजें सब बच्चों की अलग अलग होती हैं, इसलिए इसे आपको खुद फिल करना पड़ेगा घर में बड़ों की मदद से। मम्मी की हेल्प लीजिए, पापा की हेल्प लीजिए, या बड़े बड़ी दीदी हूं, बड़े भैया हूं, अंकल हूं, उनकी हेल्प से ये पेज आप करेंगे। ठीक है, और इस पेज को फिल करके आप लोग व्हाट्सएप पर भेजेंगे, हम लोग देखेंगे किस बच्चे ने किया, किस बच्चे ने नहीं किया। एग्जाम में इस पर आपको मार्क्स दिए जाएंगे, इसका कंप्लीट रहेगा। ठीक है बेटा, तो इसको आप फिल करिएगा और लर्न भी करिएगा। और नेक्स्ट चैप्टर से हम लोग पढ़ा रहे हैं आप लोगों को, देखिए जो कॉमन चीजें हैं। तो ये चैप्टर टू जो है, ये है गुड मैनर्स, यानी अच्छे तौर तरीके, अच्छा व्यवहार। कोई आपकी हेल्प करता है तो आप क्या कहेंगे, आपसे कोई गलती हो जाती है तो आप क्या कहकर माफी मांगेंगे। ठीक है, ये सब इसमें हम लोग सिखाएंगे। तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। आप बुक ओपन कर लीजिए। ठीक है, हम लोग देखिए, ए जो लिखा है क्वेश्चन है, फिट बी में आंसर है, जो ब्लैक कलर से लिखा है क्वेश्चन है। मैं आपको बता चुकी हूँ क्वेश्चन क्या होता है, जब कोई बात पूछी जाती है तो वो बात क्वेश्चन होती है और उसके जवाब में जो कहते हैं वो आंसर होता है। ठीक है, इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, आंसर भी बताया गया है। तो आपकी तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि मैं क्वेश्चन पूछूंगी, कोई भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो आपको उसका आंसर आना चाहिए, क्वेश्चन की मीनिंग आनी चाहिए आपको। तो चलिए, आपके सर को ही मैं स्टूडेंट बना के खड़ा करती हूँ, क्योंकि अभी आप लोग सामने नहीं हूं मेरे, तो स्टूडेंट बना के मैं खड़ा करती हूँ, मैं क्वेश्चन करूंगी और वो जवाब देंगे। आप लोग वीडियो खूब ध्यान से सुनिएगा, लर्न करिएगा, क्योंकि जब भी आपका एग्जाम होगा, जैसे राइम्स का होता है, आप लोग वीडियो बना के भेजते हो, वैसे इसका भी होगा, होता भी है और अच्छे से होगा। तो आप लोग अच्छी तैयारी करिएगा, डेली का डेली लर्न करिएगा। ठीक है, चलिए लेट अस स्टार्ट। बेटा ओपन कर लीजिए आप लोग। फर्स्ट क्वेश्चन है, पहले मैं इसकी मीनिंग भी आपको बताती हूँ। डू यू ओबे योर एल्डर्स, क्या आप अपने से बड़ों की आज्ञा को मानते हैं? आज्ञा मानना मतलब बड़े जो करने को कहें वो आप करते हैं। तो आपका जवाब हुआ कि हाँ करते हैं, तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? देखिए, मैं पूछूंगी और मेरे सामने जो स्टूडेंट हैं, वैसे आपके सर हैं लेकिन उनको मैंने भी स्टूडेंट बना लिया, तो वो रिप्लाई आंसर। Do you obey your elders? Yes, I do. हाँ, मैं अपने बड़ों के कहना मानता हूँ, अपने बड़ों की बात मान के उनके कहे हुए काम को अच्छे तरीके से करता हूँ। ठीक है, छोटे में क्या होगा? Yes, I do. हाँ, मैं करता हूँ। फिर से सुनिएगा। Do you obey your elders? Yes, I do. ठीक है, कोई आपसे पूछेगा कि क्या आप अपने से बड़ों की आज्ञा मानते हैं, तो आप कहेंगे कि हाँ मैं मानता हूँ, या हाँ मैं मानती हूँ। ठीक
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. डू यू हेल्प अदर्स? समटाइम आई डू हेल्प अदर्स. हाँ कभी कभी मैं दूसरों की मदद करता हूँ. ठीक है, देखिए ध्यान दीजिएगा टोन पर बेटा, करता हूँ इम्फेसिस दिया गया है. ये नहीं कहा गया कि कभी कभी मैं दूसरों की मदद करता हूँ, सिंपली नहीं, मैं मदद करता हूँ, इसीलिए डू का यूज किया गया है. फिर से एक बार सुनिएगा, डू यू हेल्प अदर्स? समटाइम आई डू हेल्प अदर्स. ठीक है बेटा, बार बार वीडियो को आपको सुन के एकदम लर्न कर लीजिएगा इसको. अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मीनिंग भी मैं बताऊंगी थोड़ा ही कहीं. डू यू शेयर योर टॉयज विद फ्रेंड्स? क्या आप अपने दोस्तों के साथ अपने खिलौने खेलते हैं? कहने का मतलब देखिए, शेयर का मीनिंग समझ लीजिए. फॉर एग्जाम्पल आपके घर में दो तीन भाई बहन हैं, या फिर अकेले भी हो तो मम्मी पापा हैं, कोई खाने की चीज है तो आप सबको दे करके सबको बांटोगे, तो सबको बांट के खाओगे, तो यानी तुमने शेयर किया उस चीज. स्कूल में आए हो, लंच कर रहे हो, यदि आप उस लंच में से किसी और को भी खिला रहे हो, मान लो कोई बच्चा लंच लाना भूल गया, ठीक है, सभी कभी होता है, तो ऐसी कंडीशन में आप उसको भी अपने साथ खिला रहे हो, दैट मीन्स कि आप लंच को शेयर कर रहे हो. ठीक है, खिलौने हैं आपके पास हैं, खिलौने आप खेल रहे हो, कोई फ्रेंड्स थे तो आप खिलौने छिपा के रख नहीं दोगे, आप क्या करोगे, फ्रेंड्स को भी कहोगे कि हाँ साथ में खिलौने खेलो, तो इसका मतलब कि तुमने खिलौनों को शेयर किया. ठीक है, तो चलिएगा देखिएगा, डू यू शेयर योर टॉयज विथ फ्रेंड्स? ऑफ कोर्स आई शेयर देम विथ माई फ्रेंड्स. हाँ मैं अपने दोस्तों के साथ अपने खिलौने शेयर करता हूँ, उनको भी खिलौने देता हूँ खेलने के लिए. ऑफ कोर्स मीन्स जरूर, ऑफ कोर्स जरूर, अवश्य. आई शेयर देम विद माय फ्रेंड्स. एक बार फिर से, डू यू शेयर योर टॉयज विद फ्रेंड्स? ऑफ कोर्स आई शेयर देम विद माय फ्रेंड्स. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, Do you say thank you when somebody helps you? क्या जब कभी कोई तुम्हारी हेल्प करता है तो तुम थैंक यू बोलते हो? इसको कैसे पूछेंगे इंग्लिश में? Do you say thank you when somebody helps you? Yes, always. हाँ हमेशा मैं अपने जो भी मुझे हेल्प करता है, जो भी मेरी मदद करता है, उसको हमेशा थैंक यू बोलता हूँ, हमेशा उसको मैं धन्यवाद देता हूँ. इसको छोटे में कैसे कहा गया फिर से सुनिएगा, डू यू से थैंक यू व्हेन समबडी हेल्प्स यू? यस ऑलवेज. ठीक है बेटा, ऑलवेज मीन्स हमेशा. हाँ हमेशा, यानी हमेशा मैं थैंक यू बोलता हूँ. डू यू से सॉरी व्हेन यू मेक अ मिस्टेक? क्या तुम सॉरी बोलते हो जब तुमसे गलती हो जाती है? ठीक है, मान लीजिए आपसे कभी कोई गलती हो गई तो आप क्या करोगे? आपको भी तकलीफ होगी, मुझसे गलती हो गई तो आप क्या कहते हो? सॉरी. सॉरी कहते हो ना, कि मुझे सॉरी मतलब क्या, मुझे दुख है कि मुझसे गलती हुई, मुझे अफसोस है कि मुझसे गलती हुई, मुझे इस बात का दुख है, अफसोस है, सॉरी का ये मतलब हुआ. तो जब आपसे कोई पूछेगा कि क्या जब तुम गलती करते हो तो तुम सॉरी बोलते हो, तो तुम कहोगे ना कि हाँ मैं सॉरी बोलता हूं. अब देखिए कैसे पूछा जाएगा और कैसे जवाब आएगा. डू यू से सॉरी व्हेन यू मेक अ मिस्टेक? यस आई से सॉरी. हाँ मैं सॉरी कहता हूँ. ठीक है बेटा, आज इतना ही हम लोग कराएंगे, लेकिन एक बार फिर से हम लोग इतना रिवाइज कर रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा. डू यू ओबे योर एल्डर्स? यस आई डू. डू यू हेल्प अदर्स? समटाइम्स आई डू हेल्प अदर्स. Do you share your toys with friends? Of course, I share them with my friends. Do you say thank you when somebody helps you? Yes, always. Do you say sorry when you make a mistake? Yes, I say sorry. इतना बेटा आपको लर्न करना है
हेल्प लीजिएगा बड़ों की, वो क्वेश्चन पढ़ेंगे, आप उसका आंसर देंगे। बार बार वीडियो को सुनकर के इतना ध्यान रखिएगा, फिर आगे हम नेक्स्ट वीडियो में करें। ठीक बेटा, थैंक यू।